हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है शादी वाला डे और अभी सुबह सुबह ऐसी डिमांड आ गई थी समर्थ की कि मैंने अपने लिए जैसी शॉपिंग करी इंडो वेस्टर्न की, वैसी समर्थ को भी चाहिए। तो अभी मैं समर्थ को फिर से वही शॉप में लेके आ गया हूँ समर्थ की शॉपिंग करवाने के लिए। तो ये है समर्थ। हाय गाइस। और अभी हमने एक पसंद करे ये वाला, तो वो है बट देखते अभी और कलर देख रहे हैं। तो समर्थ को भी वैसे ही, तो मामा भांजे दोनों सेम ड्रेस में। रेडी हो गया समर्थ का सैंडविच जो समर्थ को हम लेने वाले हैं। और लेंथ जो है, और यही भैया ने उसको ही पसंद करवा दिया जिन्होंने मेरे को पसंद करवाया था, बिल्कुल फुल। सो गाइस, हम आ गए हैं कहाँ पे, उस लोकेशन में जहाँ पे हो रही है शादी। तो अभी क्या है, देखो दुल्हन आई नहीं है कहाँ से, पार्लर से, लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों की तैयारियाँ चल रही है। कुछ हो गए हैं तैयार और कुछ की खिंच रही है फोटो और कुछ के बन रहे हैं बाल। तो देखो यहाँ पे खिंच रही है फोटो मौसी लोगों की, और ये फोटोग्राफर ये है यहाँ पे, और वहाँ पे बन रहे हैं हेयर, और वो हेयर स्टाइलिस्ट खड़ी है। ओह माय गॉड, हेयर स्टाइलिस्ट का रेडी हो गया आई है। तो बस इसके बाद अब मेरे को भी रेडी होना है, तो रेडी होता है और एक बार चलते हैं नीचे। और नीचे चल के ना, अभी खाली है तो सारी लोकेशन देखते हैं अपन, आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ के रेडी होते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ गया नीचे और यहाँ पे अभी सबसे पहले जो एंट्री का गेट है ना वो देखते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर, ठीक है? चलो। और यहाँ पे प्रथम हो गया रेडी, और ये है अपना भाई अरविंद, है ना? बहुत जल्दी अपन इसकी शादी में ही मिलेंगे। तो तक चलते अंदर, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, बस अभी लाइट जलनी है, बट अंदर चलते और बाकी की चीजें देखते हैं। तो गाइज, अभी क्या है, अंदर जली नहीं है लाइट, अभी लाइट जलती है तो वो दिखाते, बट अभी दुल्हन आ गई तैयार होके, तो थोड़ा उसको देख लिया जाए। और यहाँ से उतारते हैं इसको, नहीं खोलना। हाँ, जनता बताएगी। वैसे शिवानी बताएगी, शिवानी सोगांची कैसी लग रही है? तो शिवानी कैसी लग रही है? और तुम दोनों बताओ शिवानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। मतलब इतनी अच्छी लग रही है। फाइनली हम हो गए हैं रेडी, दीपक भी आ गया है और मैं भी हो गया हूँ रेडी, ऐसा कुछ है। अब चलते हैं बाहर, और गंजन भी आगे आगे चल रही है, और अभी मैं ऊपर से उतर रहा था तो चाचा और कपिल भी दिख गए हैं, तो इन लोग भी आ चुके हैं तो उनसे भी मिलते हैं और सब कुछ करते हैं फिर अपन चल के। चलो। और ये है चाचा लोग। हेलो एवरीवन। हेलो। अरे वाह यार, बढ़िया लग रहा है यार, हीरो मेरा खुश रहे भैया। और चाचा लोग भी आ गए, बुआ भी आ गई है, चाची भी आ गई है, भाई भी फोटो लो यार, भाई सबकी फोटो ही फोटो है, सब अपन फोटो ही फोटो वाले सब। बुआ भी आ गई, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना चाचा, फिर मैंने बोले ही था मैं अच्छा लग रहा है। और गाइस, बुआ और फूफा जी भी यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे पा लगी फूफा जी, खुश रहो। और बुआ भी आ गई है, पा लगी बुआ, आ तो रही है बारात। हाँ, बारात पीछे है ना, और पीछे ही पीछे बारात भी आ रही, तो अपन चलते हैं। अपन चलते हैं कहाँ, आगे अंदर, और उसके बाद बारात का यहाँ पे देखो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार में लगे हैं, तो चलते हैं अपन अंदर। अब सब यहाँ पे खड़े हुए हैं तैयारियों में, स्वागत में एक दूसरों की, और भाई सुंदर बधाई हो।
गाइस बारात अभी आई नहीं है और घर के लोगों को देख लो, चाट खा रही है बैठ के अकेले। सारी बहनें गेट पे खड़ी हैं और ये अकेले चाट निपटा रही है। मौसी क्या खा पी के फुर्सत हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं ना, उसके बाद मैं नहीं खाती ना, मैं कुछ नहीं खाती, मैं उपास ही रहूंगी ना। भांजी की शादी है तो ऐसा दिखाएंगे सबको, तो ऐसे ही चल रहा है अभी मौसी का। गाइस यहाँ पे आप मौसी को देख के ना हमारी भी इच्छा हो गई, और यहाँ पे समर्थ भी लगा था क्या फुल्की ढकेलने, तो अपन भी थोड़ी सी फुल्की खा लेते हैं ना भैया। तो भैया देखो खिला रहे हैं फुल्की, अब खिलाओ भैया, खिलाओ चटपटे फुल्की यहाँ सबको लाइन से। और एक हम भी खा लेते हैं। गाइस देखो दूल्हे की एंट्री हो गई है, सब कुछ हो गया है, वो स्टेज पे बैठ गया, अब हमें जाना है अपनी दुल्हन रानी को लेने, तो अब उसे जाएंगे लेने और जा रहे हैं, देखते हैं तैयारी, एक बार पूछ लेते हैं अगर सारी तैयारी हो गई है तो फिर हम जाएंगे और उसे लेके आएंगे कहाँ अंदर, और उसकी भी बहुत अच्छी एंट्री होने वाली है, तो फिर वो एंट्री होगी। गुरु जी पहले बोलिए लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब टू 90s बॉय 90s boy। तो देखो गाइस अब गुरुजी ने भी बोल दिया है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और अब चलते हैं दुल्हन के पास और उसकी एंट्री करवाते हैं कहाँ, वापस स्टेज पे।